हेलो एवरीवन, जैसा जैसे आप सबको पता है कि सीबीएसई ने क्लास ट्वेल्थ का टर्म वन एंड टर्म टू का सिलेबस रिलीज़ कर दिया है सो टुडे वी विल सी कि हमारे मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो टर्म वन में आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर्स टर्म सेकंड में आ रहे हैं सो हियर ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं जो आपकी फर्स्ट यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन ये एट मार्क्स की है और इसके अंदर जो चैप्टर हैं आपके चैप्टर वन रिलेशन एंड फंक्शन और चैप्टर सेकेंड इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शंस हैं आपकी सेकेंड यूनिट है एल्जब्रा जो कि टेन मार्क्स की है इसमें आपके चैप्टर थ्री मैट्रसेज और चैप्टर फोर डिटर्मिनेंट्स इंक्लूडेड हैं आपकी थर्ड यूनिट कैलकुलस में जो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं वो हैं आपके कॉन्टीन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिवस और ये मार्क्स टोटल मार्क्स 17 हैं। फिर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है जो आपकी एन सी आर टी बुक का क्ला चैप्टर ट्वेल्व है जो टोटल मार्क्स फाइव जिसमें पूरे फाइव मार्क्स का आएगा सो अगर हम इन सबको काउंट करें तो इट इज़ टोटल फोर्टी और आपके इंटरनल असेसमेंट को ऐड करके टोटल आपके मार्क्स फिफ्टी हो जाएंगे सो so, अगर अब हम बात करें कि हमारे मैथ्स में जो चैप्टर्स टर्म वन में आ रहे हैं उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं तो आपके चैप्टर वन रिलेशंस एंड फंक्शंस में जो टॉपिक इन्वर्टेबल फंक्शन और बाइनरी इक्वेशंस थे वो हटा दिए गए हैं इट मींस यू कैन सी कि आपकी एक्सरसाइज वन और वन हट चुकी है क्योंकि उस वो एक्सरसाइज इस टॉपिक के बेस पर ही थी ना चैप्टर सेकेंड एंड वर्स फंक्शंस इसमें आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शंस ही हटा दिए हैं 2.2 एक्सरसाइज हटा दी गई है इन चैप्टर थ्री मैट्रिस आपका जो टॉपिक था एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन रो एंड कॉलम्स वो टॉपिक हटा दिया गया है चैप्टर फोर डिटर्मिनेंट्स एक प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एक अच्छा टॉपिक था वो टॉपिक भी हटा दिया गया है सो so, फोर पॉइंट टू एक्सरसाइज हटा दी गई है जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर थी चैप्टर फाइव कॉन्टीन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी में मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम हटा दी गई है वैसे ये बहुत ईजी था एक स्कोरिंग पार्ट था बट इट्स ऑल राइट अगर ये हटा दिया गया है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वैसे सो so, फाइव पॉइंट एट एक्सरसाइज हटा दी गई है चैप्टर सिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिवस इसमें आपकी एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन हटा दी गई है एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फोर इट मीन्स अप्रॉक्सीमेशन हटा दिया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वान्टिटीज हटा दिया गया है फिर जो हमारा चैप्टर ट्वेल्व लीनियर प्रोग्रामिंग है इसमें आपका मैथमेटिकल फॉर्मोलेशन ऑफ दी प्रॉब्लम दैट इज एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू और ट्वेल्व पॉइंट टू ट्वेल्व पॉइंट वो हटा दी गई है बट आप ट्राई करिएगा कि आप मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ द प्रॉब्लम जो टॉपिक है उस पर क्वेश्चन सॉल्व करें उसे समझें क्योंकि ये आपको आना चाहिए भले ही हटा दिया गया बट आपको आना चाहिए और आपका टर्म वन ऑब्जेक्टिव होगा इट मीन्स एम होंगे तो नाइन्टी मिनट्स का पेपर होगा तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा क्योंकि एम सी क्यूज़ में केस स्टडी के क्वेश्चन भी आएंगे तो एक एक बार आप अगर इन एक्सरसाइज को कर भी लेंगे तो भी आप ही को फ़ायदा है अब हम मैथमेटिक्स के टर्म सेकेंड के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स फोर्टी और ये आपका सब्जेक्टिव होगा टर्म वन ऑब्जेक्टिव था बट टर्म टू आपका सब्जेक्टिव होगा सो नाउ यूनिट थ्री कैलकुलस तो इसमें आपका चैप्टर सेवन इंटीग्रल्स है चैप्टर एट एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स है एंड चैप्टर नाइन डिफरेंशियल इक्वेश है टोटल मार्क्स एटीन फिर आपकी यूनिट फोर वैक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है जिसमें आपका चैप्टर टेन वैक्टर्स है और चैप्टर इलेवन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है देन यूनिट सिक्स प्रोबेबिलिटी इसमें आपका चैप्टर थर्टीन प्रोबेबिलिटी इंक्लूडेड है एक बार हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कैलकुलस आपका एटीन मार्क्स वैक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल जोमेट्री 14 मार्क्स एंड प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स सो टोटल कितने हो गए 40 मार्क्स और जो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपको जो नंबर मिलेंगे उस टेन मार्क्स को ऐड करके जो आपका ग्रैंड टोटल हुआ वो फिफ्टी मार्क्स का हुआ सो so, ये हमने टर्म वन और टर्म टू के सिलेबस के बारे में देख लिया कि क्या है इन क्या अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें आपके क्या क्या टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिए गए हैं रिड्यूज़ वो नहीं आएंगे रिमेंबर कि आप टर्म वन टर्म टू को साथ में ही प्रिपेयर करें क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा इंटेग्रल एक ऐसा चैप्टर है जो एक डेढ़ महीना ले लेता है बहुत आराम से अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें सो यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज आपको अभी से ही अपनी प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी सीम्स टू बी ईजी बट इट इज़ नॉट अब जो हमारी टर्म टू में मैथ्स के जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें क्या क्या आपके टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं हम उसका डिस्कशन करते हैं चैप्टर सेवन इंटीग्रल्स में जो आपका लिमिट ऑफ अ सम था जो कि एक हाँ स्कोरिंग था सब्जेक्ट स्कोरिंग टॉपिक था स्टूडेंट्स के लिए ये रिमूव कर दिया गया है देन चैप्टर एट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स इसमें आपके सिर्फ सिंपल कर्व्स आएंगे और और दूसरे नहीं आएंगे सो एट पॉइंट टू एक्सरसाइज हटा दी गई है चैप्टर नाइन डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हटा दी गई है चैप्टर टेन वेक्टर एल्जेब्रा ये आपका पूरा आ रहा है आपका वेक्टर एल्जेब्रा पूरा आ रहा है बट जो आपकी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज दे रखी है उसे हटा के देन चैप्टर इलेवन थ्री डायमेंशनल जोमेट्री तो इसमें आपको ध्यान है तो एक टॉपिक है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन जो इलेवन पॉइंट थ्री से पहले टॉपिक है तो वो टॉपिक आपका हटा दिया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे देन चैप्टर थ्री प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी में आपका मीन एंड वेरियंस टॉपिक हटा दिया गया है तो ये आपका नहीं आएगा सो चैप्टर सेवन चैप्टर एट चैप्टर नाइन एटीन मार्क्स तो कैलकुलस खुद ही पूरा एटीन मार्क्स का है एंड चैप्टर टेन इलेवन फोर्टीन मार्क्स का वेक्टर एल्जेब्रा आपका हटा ही नहीं है पूरा चैप्टर आ रहा है एंड चैप्टर थर्टीन प्रोबेबिलिटी अब हमने दोनों टर्म वन और टर्म टू के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर लिया है कौन कौन से चैप्टर्स टर्म वन में आ रहे हैं वो डिस्कस हो गया उसमें से क्या क्या टॉपिक्स रिमूव हुए हैं वो भी डिस्कस हो गया एंड टर्म टू में क्या चैप्टर्स आ रहे हैं क्या रिमूव हुआ है वो भी डिस्कस हो गया आप अपनी प्रिपरेशंस अच्छे से करिएगा टर्म वन ऑब्जेक्टिव टर्म टू सब्जेक्टिव आएगा तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है